यहाँ ग्रे को बड़ी टहनी चाहिए थी जिसे वो उस रस्सी के पास पहुंच सके, तो एक बड़ी सी टहनी को तोड़ने के लिए थोड़ा आगे जाती है। तभी अचानक से क्रोकोडाइल छलांग मारकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो हड़बड़ा जाती है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन सही मौके पर जूली उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे वो उसका खाना बनने से बच जाती है। अब समय और बीतने लगता है और उस लेक का पानी इतना काला था कि उसे कोई भी चीज आ जाए उसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। अब ग्रे कहती है कि हमें जल्दी से उस रस्सी को अपने पास लाना होगा वरना वो बोट धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है। इसी दौरान उन्हें कुछ दूरी पे एडम की लाश तैरती हुई दिखती है। वो उसे देखकर और रोने लगती है। कुछ समय पहले ही दोनों साथ में थे और अब वो मर चुका है। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो फादर बनने वाला है। वेल, अब धीरे धीरे सूरज डूबने लगता है और कुछ ही समय बाद रात हो जाती है। शायद ये रात इन दोनों को आज से हमेशा याद रहने वाली है, अगर ये जिंदा रहे तो। अब मौसम भी बिगड़ने लगता है और तेज बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़कने लगती है। ग्रे और जोली उसी पेड़ पर अभी भी बैठे हुए हैं, तभी अचानक न जाने कहाँ से ढेर सारे क्रोकोडाइल आ जाते हैं और वहीं पड़ी ली और एडम की लाश को नोच नोच कर खाने लगते हैं। ये सब दोनों देख रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल चुपचाप बैठना पड़ता है और अगर इन्होंने शोर मचाया तो इनकी भी जान उस क्रोकोडाइल के मुंह में होगी। ये सारा मंजर देखकर जूली पूरी तरह से टूट चुकी थी। वेल, किसी तरह से ये मंजर गुजर जाता है। अब सुबह हो जाती है और ग्रे कहती है कि हमें अब कुछ करना ही होगा, खतरा बढ़ता जा रहा है। तो जूली कहती है कि ठीक है, हम उस बोट तक जाते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अब वो बहुत दूर जा चुकी है, वहां तक पहुंचने से पहले वो उन्हें खा जाएगा। इसलिए उसे कहती है कि हमें वहीं जाना होगा जहां से हम आए थे। तो वो दोनों बड़ी ही होशियारी से पेड़ों का सहारा लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कल की बारिश की वजह से पानी का लेवल ऊपर आ चुका था जिस वजह से वहाँ के पेड़ डूब गए थे और अब उनके आगे का रास्ता भी खत्म हो गया था। उन्हें पानी में तैर कर आगे जाना होगा। दोनों गॉड का नाम लेकर पानी में उतरते हैं और थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने वही क्रोकोडाइल आ जाता है और ये दोनों अपनी जगह से हिलते ही नहीं, जिसे वो बिना कुछ करे पानी में वापस चला जाता है। जिसके बाद दोनों फौरन दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इसी बीच वो दोबारा आ जाता और इस बार उसने ग्रे को पकड़ लिया था। वो उसे पानी में ले जाने लगता है और इधर जूली इतनी तेज से चिल्लाती है कि वो क्रोकोडाइल उसे छोड़ देता है और वो उसे लेकर भागकर वापस पेड़ पर आती है। यहाँ ग्रे के पैर में बहुत गहरा घाव हो गया था जिसे उसका खून बहता ही जा रहा था। अगर उसे जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो मारी जाएगी। अब इसी दौरान उसे एक बोट की आवाज भी सुनाई देती है, तो ग्रे फौरन कहती है कि जाकर उसे आवाज लगाओ, लेकिन वो बोट वाले इनकी आवाज सुन नहीं पाते, जिसके बाद जूली अपना गुस्सा उस बोट पर निकालने लगती है जिसे वो आई थी। अब इसी दौरान उसे फिर से पानी में हलचल सुनाई देती है, वो मगरमच्छ दोबारा से आ चुका था। जूली दूर से ही ग्रे को कहती है कि अपना पैर ऊपर करो, लेकिन वो बेहोश थी इसलिए उसे सुनाई नहीं देता। दरअसल जो खून ग्रे के पैरों से निकल रहा था उसकी स्मेल सूंघकर वो उसके पास आ गया था, इसलिए वो भागकर अपनी बहन के पास आती है और उसकी चोट पर एक कपड़ा बांधती है जिससे कि ज्यादा खून ना बहे। तब तक ग्रे को भी होश आ चुका था, तो वो जूली से उस बोट के बारे में पूछती है और वो बताती है कि वो बोट जा चुकी है। वो उसे वैसे ही बैठाकर पानी में दोबारा उतरती है और उस बोट की तरफ जाने लगती है। धीरे धीरे करके वो उसके करीब आते जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे उतना ही डर लग रहा था कि कहीं वो क्रोकोडाइल दोबारा ना आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और फौरन उसके अंदर भरे पानी को बाहर निकालने लगती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हो नहीं पाता। इसी दौरान उसकी नज़र लेक पर पड़ती है जहाँ का पानी अब हिलने लग गया था, यानी कि उसे पता चल गया है कि जूली बोट पर आ चुकी है। वो जल्दी से बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल उसकी बोट के ऊपर आ जाता है जिसे जूली डर के नीचे गिर जाती है और भागने लगती है, लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेता और थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जूली की जब आँख खुलती है तो वो जिंदा एक किनारे पर पड़ी हुई थी। उसकी साइड में ली की आधी कटी हुई लाश पड़ी थी जिसे देखकर वो हल्का सा डरती भी है। इधर हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि जूली की एक हाथ की उंगली टूट चुकी है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। उसे याद आता है कि ली ने अपने साथ एक बंदूक रखी थी, तो उसके पॉकेट को चेक करती है और उसे वो बंदूक मिल जाती है जिसे वो अपने पास रख लेती है और फिर वो उस क्रोकोडाइल को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, पर वो क्रोकोडाइल भी चालाक था, वो उसके पास नहीं आता। तो वो ली का एक हाथ को उखाड़ लेती है और फिर उसे पानी में डालकर एक बार फिर से अपने पास बुलाने की कोशिश करती है और इस बारी वो क्रोकोडाइल झांसे में आ जाता है, लेकिन उसके सामने नहीं बल्कि उसके पीछे से। जैसे ही जूली मुड़ती है वो उस पर हमला कर देता है,
तो उसने भी चालाकी कर दी थी यहाँ पर। वेल, यहाँ जूली गोली चलाने की कोशिश करती है लेकिन बंदूक के अंदर कीचड़ जमा होने की वजह से वो जाम हो चुकी थी और चल नहीं पाती। जूली अब भागना शुरू करती है पानी में, वो क्रोकोडाइल भी उसके पीछे पीछे था। कुछ ही देर बाद क्रोकोडाइल उसके करीब आकर उसे पकड़ लेता है और फिर बड़ी ही तेजी से उसे नीचे ले जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक गोली चलने की आवाज सुनाई देते हैं और बूम, जिसके बाद दोनों ऊपर आ जाते हैं और जूली ने आखिरकार उस क्रोकोडाइल को गोली मार दी थी जिससे कि उसकी जान बच गई थी। वो फौरन बोट लेके ग्रे के पास आती है पर तभी वो देखती है कि खून बहने की वजह से ग्रे की मौत हो गई है। अब ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है और उसको पकड़कर रोने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो उसकी लाश को उसी बोट पर रख लेती है और फिर वहां से खुद उसे चलाकर टाउन आ जाती है और इसी तरह से उसने खुद की जान बचा ली थी अपनी हिम्मत की मदद से। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी साल 2003 में हुई एक घटना पर आधारित है। उस समय तीन टीनेजर इसी ब्लैक वाटर लेक में आए थे जहाँ पे टूरिस्ट का आना मना था। हालांकि उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था पर उनका एक साथी मारा गया था। वो पूरे 22 घंटे तक ऐसे ही पेड़ पर बैठे रहे थे। अब इन लोगों ने तीन गलतियां की थी। एक तो इस ट्रिप पर अपना फोन लेकर नहीं आए थे। दूसरा, इन्होंने उस फेरी का वेट नहीं किया था, अगर कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। तीसरी गलती, ये जिस जगह पर फंसे हुए थे वहाँ टूरिस्ट का जाना मना था पर फिर भी ये लोग वहाँ गए। तो मेरा सवाल आपसे है, अगर आप ऐसी जगह पर फंस जाते हैं तो पहला काम क्या करेंगे खुद की जान बचाने के लिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। वेले इस वीडियो पे एम करते हैं 250 कमेंट का, कमेंट जरूर करेगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।